हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। अगला एचडीएफसी बैंक कौन सा होगा? ये सवाल जब जब किसी के भी दिमाग में आया है, तब एक ही बैंक का नाम आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह। और वो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। काफी सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि अगला एचडीएफसी बैंक अगर कोई हो सकता है तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि उसकी स्टोरी ही कुछ ऐसी बनाई गई है पिछले 5 साल के। लेकिन अगर हम इसके स्टॉक प्राइस के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक 43% तक डाउन है। तो ये 5 साल का स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस से ये जरूर लगता है कि शायद ये स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मीडिया में बनाई गई थी। पर सवाल ये आता है अब कि अब भी एचडीएफसी फर्स्ट बैंक में करे तो करे क्या? इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और ये समझेंगे कि क्या हो रहा है इस बैंक में और आगे क्या हो सकता है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, शुरू करते हैं। ये अभी आपकी स्क्रीन पर जो है, ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मंथली चार्ट। अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक कहीं 2015 में अराउंड 72-73 रुपीज के आसपास का था, और कोरोना वायरस क्रैश में यही स्टॉक 17 रुपीज तक चला गया था, और करेंटली अराउंड 40 रुपीज के आसपास का है। पिछले हम अगर 5 साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक 50-51% तक ओवरऑल डाउन है। अब क्या हो सकता है स्टॉक में? देखिए, दो चीजें रिसेंटली हुई है। एक तो काफी बार ये स्टॉक इस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में पंप अप करा गया, यानी कि काफी स्टोरी जो है स्टॉक की वो काफी साल से हम सुन रहे हैं कि अगला एचडीएफसी बैंक, अगला एचडीएफसी बैंक। पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते तो आपको ये पिछले 5 साल से क्लीन दिखता कि ये स्टॉक ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में अब हम बनाते एक ट्रेंड लाइन, जैसे कि हम काफी वीडियोस में बनाते हैं, और देखते क्या हो रहा है। तो ये एक क्लीन कट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, जहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट है। ये फर्स्ट टच पॉइंट, ये सेकेंड टच पॉइंट, और ये थर्ड टच पॉइंट। एक हमें ब्रेकआउट जो इस डाउन ट्रेंड का मिला था वो पर्टिकुलरली यहाँ पे मिला था इस कैंडल में। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी थी, काफी चीजें बुलिश इस टाइम पे ओवरऑल लग रही थी। पहले तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। एक तो बैंकिंग एज एन ओवरऑल सेक्टर पिछले 3 साल 2 साल से ओवरऑल एक लगाट सेक्टर ही रहा है, यानी कि बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं बना। मतलब ये नहीं कि स्टॉक के प्राइस ऊपर ही नहीं गए, पर अगर आप देखेंगे तो काफी ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा ओवरऑल 3 गुना 5 गुना 8 गुना तक पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है पिछले 2 साल में। जबकि हम अगर कोई भी बैंकिंग का स्टॉक ले तो वहां पे कुछ भी ऐसे मूवमेंट्स हमको देखने को नहीं मिले। अब अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टच पॉइंट है, यहाँ पर फिर एक टच पॉइंट है, एक अच्छा रेजिस्टेंस था, और उसी रेजिस्टेंस से स्टॉक ने वापस से रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल लेके देखे हम तो स्टॉक वापस से एक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, और ये एक जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टॉक करेंटली ले रहा है। सवाल ये आता है क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। देखिए, करेंटली अगर स्टॉक देखे तो एक काफी वीक ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर पर है, बट ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर भी है। तो इस स्टॉक में मोमेंटम कब आएगा, कब इसमें ऐसी तेजी दिखेगी कि हमें लगे कि यार अब कुछ लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक वाली कुछ तो बात स्टॉक में हुई है। अच्छा मोमेंटम तो हमें 69 के ऊपर मिलेगा जब ये अपने ऑल टाइम हाई सारे रेजिस्टेंस क्रॉस कर देगा। उसके पहले अगर आप ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। रिसेंट जो अच्छा मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए रहेगा वो ये पर्टिकुलर लेवल रहेगा, जो कि है अराउंड 35 रुपीज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल आपको रिवर्सल्स इस पर्टिकुलर एरिया से मिलेंगे, और अब ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो एक सपोर्ट वो हो गया और एक सपोर्ट आपको इस पर्टिकुलर जोन का। तो 35-36 का लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट स्टॉक को है। इसलिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको होल्ड करते रहना चाहिए। पर हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसा बड़ा प्राइस का जो मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 69 के ऊपर ही आएगा। अब इसके बीच स्टॉक कितना टाइम लेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाए, या कुछ और आने वाले 8-10 महीने, 4-5 महीने लग सकते हैं। इसका कोई अप्रोक्सीमेट या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता कि कितने टाइम में 69 के ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। यही एक टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड फॉलोइंग, तो सारे अजम्पशंस होते हैं कि हमें ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करना रहता है, हमको ट्रेंड समझना है और फाइनल कंफर्मेशंस का वेट करना है। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंप्लीट एनालिसिस, और अच्छे मोमेंटम के लिए यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। स्टोरीज के पीछे कभी भी नहीं भागे, क्योंकि हमने पास्ट में यही देखा है कि जहां जहां बहुत बड़ी ऐसी कुछ स्टोरीज बनी है वहां पे एक्चुअली चीज उल्टी ही हो गई है। और जैसा सब लोग और मास मीडिया में जो पब्लिसाइज करा गया है, यूजुअली उसका अपोजिट ही स्टॉक मार्केट में होता है। इसलिए कभी भी स्टोरीज के पीछे ना भागे और चार्ट ट्रेंड्स पे ऊपर फोकस रखे।
और अगर आपको ट्रेंड चार्ट्स के बारे में और समझना है तो हमारा फ्री मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स जो है वो वेबसाइट पर लाइव है। आप जाके उसमें वीसीबी पैटर्न्स, बाइंग पैटर्न्स, काफी सारी इनसाइट्स उसे सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पर लाइक करके कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जहाँ पे आप फंसे हैं, जहाँ पे काफी टाइम से आप होल्ड कर रहे हैं और आपको कुछ गाइडेंस की वहाँ पे जरूरत है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।